जहां एक ओर सरकार ने गांव के हर घर को शौच मुक्त कराने के लिए अभियान चला रखा है, तो वहीं लोग इस अभियान से सीख नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बलरामपुर के गौरा चौराहा क्षेत्र के गांव गुलरिया का है, जहां दिन में शौच के लिए गए एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के गौरा चौराहे के अंतर्गत गाँव गुलरिया निवासी फागु पासवान सुबह शौच करने के लिए तालाब पर गया था। इसी दौरान फागु तालाब में गिर गया और वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी देर बाद वापस न लौटने के कारण परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। तालाब के किनारे जाने पर लोगों ने पानी में उसकी लाश तैरती हुई देखी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।